सीरियल बेहद की माया के क्या कहने। जेनिफर ने अपनी अदाकारी से जहां सबका दिल जीत लिया, वही अब बहुत से निर्माता जेनिफर को अपने शो में लेने की सोच रहे हैं। जेनिफर ने माया के किरदार में इतनी जान डाल दी कि उसका एक एक डायलॉग दर्शकों के दिलों की धड़कने बढ़ा देता है। जेनिफर की एक्टिंग से प्रभावित होकर जहाँ बहुत से निर्माताओं ने जेनिफर को शो के लिए ऑफर दिया और जहाँ जेनिफर को तकरीबन 80,000 रुपए एक दिन के मिलते थे, प्रोडक्शन हाउस ने अब जेनिफर को पूरे 1,00,000 रुपए एक दिन के देने का फैसला कर लिया है। जेनिफर एक नई सीरीज में भी नजर आने वाली है जो कलर्स चैनल पे टेलीकास्ट होगा, जिसमें जेनिफर के साथ हर्षद चोपड़ा भी नजर आएंगे। ये सीरीज भी बेहद के प्रोडक्शन हाउस सिने विस्टा का ही होगा और इस सीरीज के कुछ सीन भी शूट हो चुके हैं। लेकिन सीरियल बेहद में अभी माया का माया जाल खत्म नहीं हुआ है। बेचारी सांझ अर्जुन को बचाते बचाते खुद मुसीबत में फंस चुकी है। सांझ को समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक साथ इतने सबूत माया ने कैसे सामने ला दिए। सांझ को यकीन हो गया है कि माया ने ये प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी। माया की चाल समझ पाना सांझ के लिए बेहद मुश्किल साबित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ माया ने अपना सब कुछ अर्जुन के नाम कर दिया और दूसरी तरफ उसे ऐसा फंसाया कि अर्जुन को सजाए मौत की सजा सुना दी गई। माया ने सच ही कहा था कि अर्जुन जितना माया से दूर जाने की कोशिश करेगा, माया उसे उतना ही दर्द दे के मौत के करीब ले जाएगी, और शो में ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। वेल, आगे जैसा कि अर्जुन सजाए मौत से बच ही जाएगा, लेकिन कैसे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, सीरियल की अपडेट्स के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।